Hey, welcome back to my channel. This is me, your brother Danish. तो तुम्हारा भाई लेके आया आज ग्रैब रील के ऊपर वीडियो, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे व्यूवर्स के, जो कह रहे थे भाई कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें मतलब कंपैरिजन करो कौन सा ज्यादा बेस्ट होता है, जो कंपनी लगा देती है वो बेस्ट होता है, जो आफ्टर मार्केट हम लगाते हैं वो बेस्ट होता है, उनकी लाइफ क्या होती है, उनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो गाइस आज तुम्हारा भाई उसी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर बेसिकली वीडियो बनाने आया है कि भाई मैं देखो ये मैंने परचेस करा हुआ, सिर्फ वीडियो के लिए परचेस करा है तुम्हारा भाई ने। एक तो ये मैंने करा हुआ है परचेस, ये डेक्चुन का है, मतलब एल्युमिनियम भी समझ सकते हो आप, लेकिन एल्युमिनियम होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। एल्युमिनियम होता तो काफी ज्यादा महंगा हो जाता, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और साथ की अगर बात करेंगे तो ये आयरन का यानी कि लोहे का, इसमें थोड़ा सा हमारे क्रोम वाली फिनिश देखने को मिलेगी, जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है उसी से कुछ मिलती जुलती होगी गाइस, ठीक है। और जो अभी मैंने करंट में जो लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये वाला भी आयरन का है, बट इसका लुक कैसा आ रहा है। तो गाइस क्या होता है कि इन तीनों के फायदे क्या है, कैसा लुक देते हैं और क्या डिसएडवांटेज है, तो चलो ज्यादा देर ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो गाइज जैसे कि इस पे रैप हो रखी थी, रैप मैंने हटा दी है, ठीक है, मतलब इसको एक तरह से अनबॉक्स कर लिया है हमने। और ये वाला जो है अभी ये वाला पीस अनबॉक्स करने के लिए रह गया है। तो गाइज इसको, इसकी फिनिशिंग मैं आपको दिखाया था, थोड़ा पास आ जाइए आप, जैसे कि आप इसकी फिनिश देख पा रहे हैं ये कैसा है, क्रोम फिनिश में है, ठीक है। तो इसका लुक पीछे हो जाओ, इसका जो लुक है वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और लगाने के लिए पहले मैं आपको सीट जो है वो रिमूव करनी होगी, और दोनों साइड के जो पैनल होते हैं वो रिमूव करने होंगे, देन आफ्टर इसका जो लुक आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस स्टे ट्यून, बने रहना वीडियो में, स्किप मत करना बिल्कुल भी, और अच्छी वीडियो। गाइज मैंने आपको दिखाया इसका प्रोसेस कैसे निकलता है और कैसे लगता है, तो ये तो बहुत इजी सा मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सिर्फ आपको 12 नंबर की जो पाना होता है, चाबी होती है, कुछ भी आप लेके खोल सकते हो, डजंट मैटर। और बाकी इसका लुक जो आ रहा है देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है। बाकी ये गाड़ी जब रनिंग में होगी, इसे लगाने के बाद जब आप बाइक चलाओगे और उसके बाद कोई देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे साथ भाई है, हमारा छोटा भाई है, तो उसको मैं बोलूंगा तो भाई वो बाइक चलाए, सामने से लेके जाएगा ऐसे, और हम आपको बेसिकली उसका लुक दिखाऊंगा मैं आपको कि हाँ भाई मतलब आप खुद ही जस्टिस कर लोगे कि भाई कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका फायदा बताऊंगा क्या है, ठीक है। सो गाइस जैसे कि भाई बैठा हुआ है, सपोज अगर आप बाइक पे, अपनी बाइक पे आप इस तरह का ग्रैब रील वाला जो हैंडल लगाते हैं आप, तो सोचो कि कैसा लुक आएगा। और देख सकते हैं बाइक लुक और बंदे को देख के आप जस्टिस कर पा रहे होगे कि भाई ये क्या आपको मतलब पसंद आ रहा है, सही लग रहा है। वैसे तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ज्यादा ऊंचा नहीं है। जो मैंने लगा रखा था इससे पहले ब्लैक वाला, वो सीधा था, काफी ज्यादा उसकी हाइट थी पीछे से। अब देखो पीछे से कैसा लुक आता है, ठीक है ना। तो भाई जरा कर दो स्टार्ट और लेके जाओ। और गाइज मैं कह रहा था ना, एक सेकंड रुकियो, जो मैं कह रहा था 98 वाला जो मैंने साइलेंसर का जो लुक मतलब आवाज है वो मैंने इसमें कर दी है, देख सकते हैं। थोड़ी आइसोलेटर दियो, देख सकते हैं थोड़ी आवाज रेंज दे, चलो ठीक है अब लेके जा। गाइज अब ध्यान से सुनना आवाज कैसी आ रही है, लेके जा। तो गाइज आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, 98 अगर आपको प्रॉपर 98 वाले की साउंड पता होगा तो आप आराम से समझ गए होंगे कि इसमें सेम वही आवाज आ रही है। और अगर ये वाला साइलेंसर अगर आपको कराना है, मतलब कैसे मॉडिफाई करा है मैंने ये, तो गाइज इसकी वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देखो जी साइड से देखो, पहले देख रहे हो भाई लुक, ठीक है। तो लुक आप मैं कह रहा था ना, अगर 98 वाला साउंड जिसको पता होगा अच्छे से कि 98 वाला साइलेंसर जो था, एग्जॉस्ट जो था बेसिकली, वो कैसा साउंड निकालता, सेम वही साउंड हमारा निकालने लगा, साइड में लगा ले। तो वही जो हमारा ये वाला स्टॉक जो साइलेंसर था, मैंने बिना चेंज करे बैंड पाइप वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कराया मैंने, सिर्फ इसके अंदर 2.5 इंची का पाइप मैंने इसमें वेल्ड करा लिया था, मतलब थोड़ा फैब्रिकेशन पे जाके। तो गाइज मैंने वहां पे वो कराया, अगर इसकी वीडियो देखनी हो, कराना हो, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, और देख सकते हो वीडियो जाके और कराओ, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, मतलब कि 200 रुपए के अंदर अंदर तुम्हारा काम ये हो जाएगा, ठीक है। और आवाज भी एक नंबर आती है, और नया वाला साइलेंसर अगर होना इसके अंदर तो और ज्यादा अच्छी बजेगी, थोड़ी बेस वाली बजेगी, बट इसमें भी काफी अच्छी आवाज आती है। तो भाई इसका लुक जो है आपने देख लिया होगा कैसा आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज की ओर, ठीक है।
तो गाइस इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक यही है, एक नहीं दो बताऊंगा बल्कि, कि ये जो इस पे आप क्रोम फिनिश दिख रहे हो ना गाइस, ये वाला क्रोम नहीं है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्रोम को देख लो आप, ये थोड़ा सा मोटापन है, ठीक है। अगर साथ के बात करेंगे कंपनी के क्रोम को, तो गाइस मैं आपको दिख रहा होगा कि मेरी फिंगर देखो, ये देखो जो मैंने वोट डाला था वोट का, देखो नेल पे ये मार्क दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये होता है रियल क्रोम, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। इसकी केयर नहीं भी करोगे ना तो भी इस पे मतलब ये होगा कि जंक और इसका जो क्रोम है वो डल नहीं पड़ेगा। अगर बात करेंगे इसकी, अगर इसकी हमने मेहनत नहीं करी, इस पे मेहनत नहीं करी, लाइक कपड़ा नहीं मारा, सफाई नहीं रखी, तो गाइस इसका जो क्रोम है वो हट जाएगा और इस पे जंक आ जाएगा, मतलब कि रस्ट लगने के पूरे पूरे चांसेस होंगे गाइस, ठीक है। और बात करेंगे इसकी थिकनेस की, तो ये दिखने में मोटा है बट अंदर से खाली है। ऐसा होता है कि वो जो उसका पाइप है वो भी अंदर से खाली होगा, बट इसकी जो क्वालिटी है देख रहे हो, देखो ये काफी ज्यादा हल्का है, तो बस खाली लुक देता है। अगर मान लो तुमने, अब क्या होता है कि हम तीन बंदे खड़े हैं, अब तीनों को जाना है, तो भाई अब एक चलाने वाला, दो बैठने वाले, तो क्या होता है कि दूसरा वाला जब बैठता है इस पे आता है, तो ये इसका जो एंगल बनाया है देख सकते हैं, इसका जो इसकी जो शेप है वो कुछ डाउन है, मतलब कि ठीक है, मतलब यहाँ से इंक्लाइन हो रही है, बट अगर कोई बंदा बैठेगा तो उसके लिए ये मतलब डिक्लाइन हो जाएगी, बगल पर कोई बंदा बैठ गया तो, ठीक है, इसकी शेप जो है पूरी दब जाएगी नीचे, देख सकते हैं आप। तो इसका ये है कि इसमें एक तो मजबूती नहीं है, दूसरा इसका जो क्रोम है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। और गाइज अगर ये परचेस करना होगा आपको फिर भी, तो गाइज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 250-300 रुपए के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतना हमें सोचना चाहिए। बाकी अगर ये 6 महीने भी चल जाए या साल भी चल जाए तो इनफ है, ठीक है गाइज। तो मनीष का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को लगवाना हो तो मनीष की शॉप पे आ जाना, और अगर नहीं आ सकते तो भाई फोन कर देना, वो बंदा आपको कोरियर कर देगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले ग्राहक। भाइयों मैंने इसमें लगा दिया है ब्लैक वाला, वैसे तो कई बंदों को ये एल्युमिनियम का लगता है, बट ये एल्युमिनियम का नहीं होता, ये डेक्चुन होता है, तो उसका बना होता है ये, ठीक है गाइस। और इसका लुक जो है हम दिखाएंगे दोबारा, भाई विराजमान हो जाओ गाड़ी पे, या मैं गाड़ी बताने की बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब हमारे लिए भाई गाड़ी बाइक सब एक ही है, मतलब कार को भी हम गाड़ी बोलते हैं, बाइक को भी गाड़ी बोलते हैं। जा भाई फटाफट से ग्राउंड मार गया। ये वाला मैंने यूज करा था, मतलब काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने बाइक खरीदी, अराउंड मेरे को कम से कम 6 या 7 महीने हो चुके हैं बाइक खरीदे हुए। तो जब मैंने बाइक खरीदी थी और जब मैंने बॉडी इसमें पूरी डलवाई थी, तो तुम्हारे भाई ने ये भी चेंज करवाया था। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी या बॉडी की वीडियो नहीं देखी या इस बाइक से रिलेटेड वीडियो कोई नहीं देखी, तो भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब करो अगर नहीं कराए तो। दूसरी बात, अगर चैनल सब्सक्राइब है तो वीडियो सेक्शन में जाना, नीचे एक्सप्लोर करोगे तो नीचे स्प्लेंडर की बहुत सारी तुम्हारे भाई ने वीडियो बना रखी है, मतलब इसको लेकर जो स्टॉक होता है उसको लेकर, बॉडी के ऊपर, मतलब इस बाइक के अंदर कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारे भाई ने सबकी वीडियो बना रखी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस ये लगाने का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो ये वाला जो एज है ना, कोने वाला है, तो जब ये यहाँ आ जाता है तो ये काफी उठा हुआ है, तो कोई बंदा बैठता है ना तो उसकी थाई होती है ना, थाई पे टच होते तो ये चुभता है, तो इसकी डिसएडवांटेज ये है। और दूसरे जो लुक जो खराब कर रहा है ये काफी ज्यादा खड़ा है, देख सकते हैं ये कैसा है, ये ऐसे आ रहा है, ये डाउन है, ये काफी ज्यादा ऊंचा होता है, इससे हाइट बेकार मतलब ज्यादा हो जाती है, इसकी हाइट ज्यादा है बेसिकली। और इसमें दिक्कत क्या है, जैसे कि पास आओ भैया, इसमें जैसे कि देखो ये इसका यहाँ से पेंट हट रहा है,
अब ये हटते हटते जैसे जैसे बंदा पकड़ेगा या फिर मैं कपड़ा मारता हूँ तो उससे क्या होगा, ये पेंट हटना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पेंट हटना स्टार्ट हो जाएगा, बारिश स्टार्ट होगी। जैसे कि आप थोड़ा करीब से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अंदर जंग दिखाई देगा आपको लाल लाल सा, ठीक है ना। क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मैं हूँ, आजकल मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें करोल बाग की वीडियो दिखा रहा है, यानी कि कार मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं, तो कुछ दिनों से मैं चला नहीं पा रहा हूँ भाई, तो इस वजह से बाइक जो है गंदी हो रही, जंग पकड़ने लग गई है। तो इसका यही है कि अगर इसकी केयर नहीं करोगे तो भाई जंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ये वाला हो गया, चाहे ये वाला हो गया, मतलब कि दोनों आफ्टर मार्केट है। अगर दोनों की केयर नहीं करोगे तो जंग लगेगा लगेगा। अगर हाँ स्टॉक वाला रखते हो तो भाई उसमें जंग कभी नहीं लगता, लेकिन उसके डिसएडवांटेज बताए तो भी यहाँ पे लगा नहीं है, मेरे पास घर पे पड़ा है, वरना मैं आपको दिखा देता, बट मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि उसकी दिक्कत क्या है। उसकी दिक्कत ये तो वो ना लुक ना बिल्कुल अंकल जी वाला कर देती है, जैसे कोई भी लड़का लेके जाता तो फिर अंकल जी वाला लगेगा, पापा अपनी गाड़ी चला रहा अपनी, ठीक है। एक तो पहली दिक्कत उसमें ये है, दूसरी दिक्कत ये है कि जब उसमें जब पिलियन बैठता है तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ बंदा बैठा होता है, तो बंदे के आप कभी फील करना, आप शोल्डर पे हाथ रखोगे और ऐसे करके जब बैठोगे ना, तो उसकी जो लेंथ होती है वो बेसिकली यहाँ तक होती है, तो वो कई बार क्या होता है घुटने पे या थाई पे या पैर पे कहीं पे भी वो लग जाता है, और 100% लगता है और बड़ी जोर से लगता है भाई साहब। तो मैं आपको अभी घर जाके रास्ते में कुछ क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उसकी ना कीले वगैरह निकली होती है, वो कीले बेसिकली बंजी कॉर्ड बांधने के लिए होती है, बंदे बंदे बैग रखते थे ना उसके लिए होती है। तो गाइस जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो, इसमें इसके क्या डिसएडवांटेज है, ये है तो जब पीछे वाला बंदा जब बैठता है पीछे पिलियन, तो जब वो पैर ऐसे उठाता है और यहाँ से ही आता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये लगता है बड़ी जोर से। और देख सकते हो ये जो निकला हुआ है ना, ये पता किस लिए, यहाँ पे बंजी कॉर्ड बांधते हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए देती है कंपनी। अब जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और बाकी ये जो है ना, जब ये पॉइंट लगता है ना बड़ी जोर से पैर पे, तो भाई साहब नानी याद आ जाती है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये रखते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि बाइक का जो लुक है, देख सकते हो कैसा आ रहा है, फुल अंकल जी है क्या, देख सकते हो आप। तो भाई इसके डिसएडवांटेज यही है, बाकी उसका नुकसान कुछ नहीं है, मतलब कि केयर वेयर ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता उसको, वो तो भैया एकदम ढीट है, ऐसा क्रोम कहता मैं नहीं हिलूंगा कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो भाई अगर ये सब अच्छा लगा हुआ आपको तो भाई लाइक कर देना, कमेंट चुका देना, प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई सब्सक्राइबर मेरे माशाल्लाह बहुत सारे हैं, 30,000 प्लस जा चुके हैं। मैं अभी कार की वीडियो मैंने बना के डाली है, देखा होगा आपने कुछ दिन पहले, नोटिफिकेशन आई होगी शायद आपके पास, तो भाई जाके यार फटाफट से उसको देखो, उस पर व्यू बढ़ाओ। तुम्हारे भाई का यार नाम खराब हो रहा है कि सब्सक्राइबर इतने लेकिन व्यू इतने क्यों कमा रहे हैं। तो भाई प्लीज आपसे अपील है कि कार वाली वीडियोस भी देखो, मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूँ उसमें, और मॉडिफिकेशन बेस्ट दिखा रहा हूँ, कम पैसों में अच्छी चीज दिखा रहा हूँ आपको। और आपको किसी कार की वीडियो देखनी है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बताओ ना, मुझे अपनी राय दो ना कि भाई हमें इस कार की मॉडिफिकेशन देखी, तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाएगा ना। बाइक तो है ही, वो तो है ही, लेकिन कार भी तो दिखानी है यार, तुम्हारे भाई को भी कार लेनी थोड़े दिनों में, क्या कर रहे हो यार, फटाफट से घंटी बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, फटाफट से जाओ वीडियो देखो कार वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा और प्राइवेट में भी कार के मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलो इसी नोट पे वीडियो को मैं एंड करूंगा, चैनल तो लाइक से सब्सक्राइब करने में बिना ना जाना, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो साथ, टिल देन बाय बाय।